वेलकम बैक। तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो में ये देख लेते हैं कि बाय यूजिंग पावर शेल हम माइक्रोसॉफ्ट इंटून एडमिन सेंटर में किस तरह से अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रिप्ट दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हम बेसिकली पावर शेल में किस तरह से स्क्रिप्ट अपना रेडी करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास एक ये छोटा सा स्क्रिप्ट है, जिसमें फर्स्ट लाइन अगर हम इसकी देखें तो इसमें बेसिकली हमने अपनी उस एप्लीकेशन का डाउनलोड URL प्रोवाइड किया हुआ है जो हम यहाँ पर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली 7-Zip एप्लीकेशन का डाउनलोड URL है। तो आपने जो भी एप्लीकेशन डिप्लाई करनी होगी बाय यूजिंग पावरशेल स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर आप अपने उस एप्लीकेशन का URL दे सकते हैं। देन यहाँ पर हम एक फाइल पाथ वेरिएबल सेटअप कर रहे हैं, जिसमें वो हमें बता रहा है कि बेसिकली हमारा इसी में विंडोज में टेम्प फोल्डर में जाकर इस आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर हम बेसिकली इसमें वेब रिक्वेस्ट इन्वोक करवा रहे हैं, और उसका जो फाइल डाउनलोड होके आएगी वो हमारी इस लोकेशन पर सेव होगी, और उसके साथ साथ वो हमारी उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर देगा। /S से मुराद वो साइलेंटली इंस्टॉल करेगा। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो जो डाउनलोड होकर फाइल आपके टेम्प फोल्डर में आई है वो रिमूव भी हो जाए, तो उसके लिए हम लास्ट में इस तरह से remove-item और $ फाइल पाथ दे देंगे, तो वो उस लोकेशन पे जो भी आपकी आइटम डाउनलोड होकर आई है उसको रिमूव भी कर देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर अपनी विंडोज 11 डिवाइस पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद अगर हम अपने फाइल एक्सप्लोरर पर आए और उसमें हम दिस पीसी में आकर सी में आ जाएं, और यहाँ से हम अपने विंडोज डायरेक्टरी में आ जाएं, और यहाँ पर हम टेम्प फोल्डर में आ जाएं अपने, तो बेसिकली यहाँ पर वो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड होकर आएगी, इसलिए मैंने ये टेम्प फोल्डर यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब मैं बेसिकली अपने माइक्रोसॉफ्ट इंटून एडमिन सेंटर पे जंप करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंटून एडमिन सेंटर में आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने डिवाइसेस में आ जाना है, और डिवाइसेस में आने के बाद हम विंडोज में आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप विंडोज पॉलिसीज में देखें तो थर्ड ऑप्शन आपके पास पावरशेल स्क्रिप्ट्स की आ रही है, तो हम यहाँ पर अपने पावरशेल स्क्रिप्ट्स पर आ जाएंगे। बेसिकली अब हमने यहाँ पर अपने पावरशेल स्क्रिप्ट के थ्रू डिप्लॉयमेंट करवानी है, उसके लिए हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन कोई भी नेम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 7-Zip-App का नेम दे देता हूँ, और इसी को मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं, और अब यहाँ पर बेसिकली हमने अपने उस फाइल को चूज करना है, तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट लोकेशन में सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम अपने स्क्रिप्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा ये वो 7-Zip-Exit.ps1 के नाम से स्क्रिप्ट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपने ये तमाम ऑप्शन डिफॉल्ट रहने देनी है, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दें, और सिंपल यहाँ पर आपने अपनी असाइनमेंट चूज कर लेनी है। तो यहाँ पर आपके पास टू डिफरेंट ऑप्शंस आ रही है, एक इंक्लूडिंग ग्रुप्स की आ रही है और दूसरा एक्सक्लूडेड ग्रुप्स की आ रही है। तो आप चाहे तो इंक्लूडेड ग्रुप्स यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, और सिमिलर आप यहाँ पर एक्सक्लूडेड ग्रुप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हैं कि आप तमाम यूजर्स पर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप है जिस पर आप इसको इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे, तो आप उसको यहाँ से एक्सक्लूड करवा सकते हैं। सो फॉर नाउ मैं इसको एड ऑल डिवाइसेस पर लेके जा रहा हूँ, कि ये यहाँ पर मेरे पास जितने भी विंडोज डिवाइसेस हैं उन तमाम पर ये इस एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन कर दे। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, और इसको हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे और इसको ऐड कर दें। तो बेसिकली ये एक पॉलिसी यहाँ पर क्रिएट करके देगा हमें 7-Zip-App के नाम से, और जो हमने इसको स्क्रिप्ट प्रोवाइड किया था वो यहाँ पर अपलोड कर दे। और इसके बाद हमने सिंपली अपनी उस डिवाइस पर आ जाना है। तो ये बेसिकली हमारी वो डिवाइस है जिस पर हम अपने उस एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम काम ये करते हैं कि सर्विसेज में जाते हैं। सर्विसेज में आने के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट इंटून मैनेजमेंट एक्सटेंशन की सर्विस पर आ जाते हैं, और उसको एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लेते हैं, ताकि वो माइक्रोसॉफ्ट इंटून एडमिन सेंटर से लेटेस्ट अपडेट सिंक कर ले। और हम थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पर अभी एक मैसेज पॉपअप होगा और वो हमारी यहाँ पर 7-Zip की एप्लीकेशन डाउनलोड करके ले आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमारे एक 7-Zip 2201-X8064 के साथ यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके ले आया है। और अगर हम यहाँ पर अपना
स्क्रिप्ट पर जाएं तो हम देखें हमने उसको यही नेम बेसिकली प्रोवाइड किया है कि इस नेम से वो यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड करके लेकर आए। तो अब इसकी वो ऑटोमेटिक यहाँ से इंस्टॉलेशन करेगा। और इसी तरह से यहाँ पर हम एप्लीकेशन विजिट को ओपन कर लेते हैं ताकि वहाँ पर भी हमें पता चल जाए कि हमारी 7-Zip की एप्लीकेशन इंस्टॉल होके आ गई। तो अगर हम यहाँ टॉप पर देखें तो हमारी एप्लीकेशन डाउन होके यहाँ पर आ चुकी है। तो बेसिकली इस तरह से हम बाय यूजिंग पावरशेल स्क्रिप्ट यहाँ पर अपनी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं।